किसी रीज़न की वजह से आप अपने डिवाइस पे डॉल्बी एटमॉस उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो आप ट्राई कर सकते हैं इक्वलाइजर प्रो। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा इक्वलाइजर है और ये बहुत अच्छे से काम करता है। काफ़ी सारे प्रीसेट्स इसमें आपको इंक्लूडेड देखने को मिलते हैं, काफ़ी अंडररेटेड है और इसे आप अपने किसी भी डिवाइस में बिना रूट के इंस्टॉल एंड यूज़ कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिए, मैं इसे कुछ टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। इसमें अगर हम प्रीसेट्स की बात करेंगे तो अलग अलग तरह के आपको इसमें कुछ प्रीसेट्स देखने को मिलते हैं, फ्लैट, फॉक, हैवी मेटल, जैज़, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग से जो आपको ज़्यादातर ऑडियो मोड्स में, इक्वलाइजर्स में देखने को मिलते हैं, वो सभी आपको इसमें भी देखने को मिलते हैं। वीडियो मोड, म्यूज़िक मोड, ये कुछ मोड जिसमें आपको इनबिल्ट देखने को मिलते हैं और ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से काम भी करती हैं, किसमें किसी में भी कोई ज़्यादा इश्यूज़ देखने को नहीं मिलते। अगर आप इसमें कस्टम इक्वलाइजर के हिसाब से चीज़ें सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो सब चीज़ें अवेलेबल है, अपने डिवाइस की साउंड क्वालिटी को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। म्यूज़िक के लिए, साउंड के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलते हैं। कुछ ऑप्शन जैसे कि वॉल्यूम बूस्ट, बेस बूस्ट, इस तरह के कुछ जो ऑप्शन आपको देखने मिलते हैं जो काम तो अच्छे करते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ऐसे काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ेगा। फ्री वाले मोड में ये सभी ऑप्शंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फ्री वाले ऑप्शंस में आपको सिर्फ इक्वलाइजर का सपोर्ट देखने को मिलता है जिसमें आपके पास अलग अलग तरह के प्रीसेट्स अवेलेबल हैं जिसे आप अपने डिवाइस में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको और किसी चीज के लिए चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ऑटो इक्वलाइजर, उसके लिए आपको इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ेगा जिसका प्राइस आपके सामने अवेलेबल है। अगर आप इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना चाहते तो आप इसका फ्री वर्जन ट्राई कर सकते हैं। वे अगर प्रीमियम की बात करेंगे तो प्रीमियम में जो चीजें आपको देखने मिलती है वो है ऑटो इक्वलाइजर, उसके साथ साथ इसमें आपको एक गेम मोड भी देखने मिलता है फॉर द गेमर्स। अगर आप एक गेमर हैं तो उसके लिए भी आपको इसमें ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ये सिर्फ पेड यूजर्स के लिए, लेकिन अगर आप फ्री वाले बंदे हैं तो बिल्कुल इक्वलाइजर ट्राई कीजिए। ऑटो इक्वलाइजर काफी अच्छे से काम करता है, नॉर्मल वाला तो काफी पसंद आएगा। और अगर आप इसे अपने डिवाइस में इसे आपको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कीजिए, अपने डिवाइस में इंस्टॉल कीजिए, अप्लाई कीजिए। और जैसे मैंने आपको बताया कोई रूट की जरूरत नहीं है इस तरह के। और मॉड्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।